ये गहलोत साहब बड़ी मुश्किल से जीते हैं, बाकी साथ के साथ विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के बने। मैं आप सबका, सभी कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने उस चुनाव में भागीरथी परिश्रम किया, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की, उन सबका अभिनंदन करते हुए सभी सम्मान्य मतदाता जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं होंगे, जो सोशल मीडिया से सुन रहे होंगे, जिन तक मेरी बात पहुंचेगी, उन सबका मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए उन सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। मित्रों, 10 साल पहले आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने गुजरात का विकास किया था उस पर विश्वास करते हुए, और 10 साल तक कांग्रेस के यूपीए के शासन में मनमोहन सिंह जी की सरकार में जिस तरह से भारत हर मोर्चे पर विफल होकर के गर्त में गया था, उस अमावस की रात को समाप्त करने के लिए सूरज के उजाले की एक रोशनी की किरण की तरह भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हुए आप सबने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम सबने देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, एक नया इतिहास बनाते हुए भारत में जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था तब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद आप सबने दिया था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो संकल्प है प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने रखा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, इन सबके लिए काम करेगी। देश चलाने के लिए देश के जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया है, देश बदलने के लिए दिया है, हम देश को बदल करके रहेंगे। और मित्रों, 10 साल बाद में आज मैं यहां खड़े होकर के आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, ईमानदारी से अगर आपको लगता है कामों को निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मैंने आपके देवबंद के कि हमने ईमानदारी के साथ में काम किया और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। जब मोदी जी की सरकार बनी उससे पहले, मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी उससे पहले, अटल जी की सरकार के समय में देश, अटल जी की सरकार बनी तब तक देश की अर्थव्यवस्था पेरिस शहर से एक छोटी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। अटल जी की सरकार बनी 11वें नंबर से हम 10वें नंबर पर पहुंचे थे। 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, वो अपने आप को बड़े अर्थशास्त्री कहते थे। अधिकारियों ने, सीईओ, जिला परिषद ने ये लिख करके दे दिया कि वो काम पूरा हो गया। मैंने यहां भेज करके